Chucky B. Redmi Note 12 Pro Plus जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, फास्ट रिफ्रेश रेट OLED डिस्प्ले, न्यू मिड सेगमेंट 5G प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल Samsung HMX सेंसर, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Redmi Note 12 Pro Plus ब्लू कलर का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं। और दोस्तों Redmi की Note 12 सीरीज इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली है, कंफर्म हो चुका है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं TechStreet। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की हुए देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, हमारे टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। बॉक्स यहाँ पे प्रीडिसीजर फोन से सिमिलर मिल जाता है, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो कार्डबोर्ड बॉक्स मिल जाता है और ये Redmi Note 12 Pro Plus फोन जो ब्लू कलर में मिल जाता है। यह है 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो GN चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है। अब बात करते हैं Redmi Note 12 Pro Plus के डिजाइन और बिल्ड की। फोन का बैक ग्लास का बना है और बैक में टेक्सचर्ड भी मिल जाते हैं। फोन की डिजाइन देखें तो Note 11T Pro जैसी देखने को मिल जाती है। फोन का बैक का मैट फिनिश मिल जाता है तो फिंगरप्रिंट के साइन आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन तो भी यहाँ पे थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट के साइन देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं पिछली सीरीज के कंपेयर में डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर प्लेसमेंट कंपेयर किया जाए तो टॉप एंड बॉटम में सेम ही देखने को मिल जाता है। इंफ्रारेड पोर्ट भी मिल जाता है जो ज्यादातर Redmi के फोन्स में देखने को मिलता ही है। फोन की फ्रेम फ्लैट मिल जाती है और फ्रेम काफी स्मूथ एंड पॉलिश मिल जाती है। और आजकल फ्लैट फ्रेम की डिजाइन काफी पॉपुलर है मार्केट में जो ज्यादातर फोन में देखने को मिलती है। Redmi Note 12 Pro Plus में डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की OLED फ्लेक्सिबल फ्लैट स्क्रीन मिल जाती है। डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिलती है, कलर काफी शार्प मिल जाते हैं जो न्यूली एडेड 1920 हर्ट्ज़ PWM डिमिंग फीचर को भी सपोर्ट करता है, तो फ्लिकरिंग इश्यू भी कम से कम देखने को मिलेगा, यानी ये आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। मैक्स ब्राइटनेस लेवल 500 nits तक मिल जाती है और पीक ब्राइटनेस लेवल 900 nits तक मिल जाती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और अनलॉक स्पीड भी काफ़ी तेज मिल जाती है। Redmi Note 12 Pro Plus में परफॉर्मेंस की बात करें तो ये वर्ल्ड का पहला फोन है जहां पे Dimensity 1080 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। मैक्स क्लॉक स्पीड 2.6 GHz की मिल जाती है। कंपेयर विद द प्रीवियस जनरेशन यहां पे Antutu स्कोर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। Redmi Note 12 Pro Plus में कैमरा की बात करें तो ये Redmi का पहला फोन है जहां पे 200 मेगापिक्सल का Samsung HMX सेंसर मिलता है और ये सेंसर IMX766 के कंपेयर में 24% ज्यादा लार्ज है। और दोस्तों मैंने 200 मेगापिक्सल Samsung HMX और 50 मेगापिक्सल Sony IMX766 का कंपैरिजन टेस्ट बताया है। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाए, जरूर से देख ले। अब इस 200 मेगापिक्सल HMX सेंसर में 7P लेंस भी मिल जाता है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी मिल जाता है। Redmi Note 11T के साथ कैमरा मॉड्यूल कंपेयर करें तो साइज में बड़ा मिल जाता है, शायद सेंसर साइज बड़ी है इसीलिए बड़ा मॉड्यूल मिलता है। वैसे फोन में मिड सेगमेंट प्रोसेसर है तो कैप्चर स्पीड भी थोड़ी स्लो मिलती है और आप यहाँ पे डायरेक्टली 200 मेगापिक्सल का फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। और 200 मेगापिक्सल फोटो कैप्चर करने में आप देख ही सकते हैं जो स्पीड है वो काफी स्लो मिल जाती है, लेकिन इस फोटो का एडवांटेज भी है, फोटो में डिटेल काफी ज्यादा मिलती है लेकिन स्टोरेज कंजम्पशन भी ज्यादा करेगा। एक फोटो कम से कम 20 से 30 MB स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपको 200 मेगापिक्सल की फोटोज कैप्चर करनी है तो मैं हायर स्टोरेज वेरिएंट लेने का ही सजेस्ट करता हूँ। आप यहाँ पे सिंपल फोटोज भी देख सकते हैं, तीन मोड्स में फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, 12.5 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल एंड 200 मेगापिक्सल। आप यहाँ पे तीनों की कंपैरिजन भी देख सकते हैं। Redmi Note 12 Pro Plus में 120 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जो बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने में करीब 19 मिनट्स ही लेता है और विदाउट टर्निंग ऑन फास्ट चार्जिंग 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में 30 मिनट्स लगती है। और दोस्तों इस बार Redmi की Note सीरीज में Redmi Note 12 Expro Edition में 210 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपने Redmi Note 12 Expro Edition का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। और दोस्तों 210 वोल्ट चार्जर से 4300 mAh की बैटरी चार्ज करने में करीब 9 मिनट्स ही लगती है। Redmi Note 12 Pro Plus की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीस में करीब 23,000 से शुरू होती है
और दोस्तों आप क्या सोचते हैं Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दोस्तों ऐसे लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए हमारी टेक टीम को ज्वाइन के लिए, ताकि आपको लेटेस्ट और सम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।